ऑब्वियसली हमारा इंडिया जीतेगा, सेमीफाइनल भी जीतेगी और हम वर्ल्ड कप भी जीतने के लिए जा रहे हैं। इंडिया को क्या बेस्ट विशेस देंगे, कैसे कहेंगे आप? जी ऑल द बेस्ट इंडिया, सेमीफाइनल जीत के फाइनल तक पहुंच के इंडिया के लिए 12 साल के बाद वर्ल्ड कप लाए। चेस करना मुंबई में करंट पिच के हिसाब से अभी थोड़ा डिफिकल्ट है। हमें उम्मीद है कि हमारी टीम भारी पड़ेगी क्योंकि एक तो हमारा होम ग्राउंड है, दूसरा वानखेड़े स्टेडियम। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का आगाज जब से हुआ तब से ही इंडिया जो है लगातार विजय रथ पर सवार है। न्यूजीलैंड के साथ सेमीफाइनल होने वाला है इंडिया का, जो कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। तो हमारे साथ कुछ युवा खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर, जो कि अपने क्रिकेट में भविष्य तलाश रहे हैं और आज हमारे साथ हैं। हम उनसे जुड़ेंगे, क्या सिनेरियो रहेगा, कौन अच्छा बैटिंग करेगा, कौन अच्छा बॉलिंग करेगा। तो हम इन्हीं से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सेमीफाइनल इंडिया और न्यूजीलैंड का और मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होने जा रहा है, क्या कहेंगे इस मैच को लेकर, आपकी क्या राय है और क्या लगता है कि इस मैच में कौन जीत रहा है, कौन अच्छी बैटिंग, कौन अच्छी फील्डिंग, और क्या कहेंगे टीम इंडिया को, क्या बेस्ट विशेष देंगे? पहले तो टीम इंडिया को बहुत बहुत बधाई कि सेमीफाइनल में आई और बहुत बहुत शुभकामनाएं फाइनल के लिए। और हमें उम्मीद है कि हमारी टीम भारी पड़ेगी क्योंकि एक तो हमारा होम ग्राउंड है, दूसरा वानखेड़े स्टेडियम जहाँ कप्तान का खुद होम ग्राउंड है, सूर्य कुमार यादव का होम ग्राउंड है। तो भारत के लिए बहुत प्लस पॉइंट है कि होम ग्राउंड में सेमीफाइनल खेलने का मौका मिलेगा उन्हें। और न्यूजीलैंड अच्छी टीम है पर जो दर्शकों का प्रेशर होता है उनके अगेंस्ट जाएगा, तो भारत के लिए बहुत अच्छा मौका है फाइनल में जगह बनाने का। पहला तो सेमीफाइनल मैच है क्योंकि नॉकआउट लीग का मैच सब खत्म हो चुका है और जो भी प्रेशर होता है सेमीफाइनल का बहुत दोनों तरफ का टीम का होता है। तो मेरा मानना और मेरा सोचना है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहला बैटिंग करना चाहेगी। चेस करना मुंबई में करंट पिच के हिसाब से अभी थोड़ा डिफिकल्ट है। देखिए और भी कुछ लोग हमसे भी जुड़ते हैं। ऑब्वियसली हमारा इंडिया जीतेगा, सेमीफाइनल भी जीतेगी और हम वर्ल्ड कप भी जीतने के लिए जा रहे हैं। 2011 जो हम लोग जीते थे ना, 23 में भी वर्ल्ड कप हमारा होने वाला है क्योंकि एक तो हमारा सेमीफाइनल इंडिया में है, होम ग्राउंड है, पब्लिक का सपोर्ट है, हमारे सारे के सारे प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कोहली अच्छा फॉर्म में है, मैंने A to Z हमारे बॉलर अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं, विकेट निकाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली जीत हमारी है। हम इस बार पूरा वर्ल्ड कप हमारे इस बार का पूरा फाइनल में पक्का है। आप बताइए आपकी क्या राय है इस मैच को लेकर। न्यूजीलैंड भी बहुत अच्छी टीम है, उनके भी बैट्समैन और बॉलर उनके भी फॉर्म में है। हम लोग बहुत एक्साइटेड है, हम बहुत टाइम से चाह रहे थे कि इंडिया सेमीफाइनल खेले और सेमीफाइनल जीत के फाइनल तक पहुँच के इंडिया के लिए 12 साल के बाद वर्ल्ड कप लाए। क्या कहेंगे टीम इंडिया को, बेस्ट विशेस क्या देंगे? मेरे से बेस्ट विशेस है कि सारे प्लेयर अच्छे परफॉर्मेंस करें, अपना 100% दें। पर इंडिया को क्या कहना चाहेंगे, इंडिया के जो भी प्लेयर बहुत अच्छा खेल रहे हैं या फिर न्यूजीलैंड के जो भी प्लेयर खेल रहे हैं? जो भी बात हो, हम लोग वहीं पे हम लोग फाइनल जीते थे 2011 वर्ल्ड कप का, इस बार फिर सेमीफाइनल उसी ग्राउंड में मिला है। हम लोग आसानी से, हम लोग का थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक उन लोगों पे प्रेशर रहेगा कि उन लोग पहले वहाँ पे जीत चुके हैं, एक अच्छा वर्ल्ड कप जीते हैं, तो हम लोग का वहाँ से अच्छा मेमोरी है। हम लोग और भी चल के सेमीफाइनल आराम से जीत जाएंगे क्योंकि हम लोग सारे प्लेयर अच्छा कर रहे हैं। अगला पे प्रेशर भी रहेगा क्योंकि हम लोग का होम ग्राउंड भी पड़ जाता है। वो इंडिया को क्या बेस्ट विशेस देंगे, कैसे कहेंगे आप? जी ऑल द बेस्ट इंडिया। देखिए तो ये युवा खिलाड़ी थे बोकारो के, जो क्रिकेट में अपनी भविष्य तलाश रहे हैं और हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में इनका भी एक चेहरा जो हो इंडिया टीम में दिखाई दे, क्योंकि ये भी लगातार मेहनत कर रहे हैं कि जिस तरीके से भारत का परफॉर्मेंस है, वो चाहे बैट्समैन की बात करें या बॉलर्स की बात करें या फील्डिंग सेक्शन की बात करें, तो सभी लोग काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और खास करके एक बात ये भी कहा इन्होंने कि ये जो होम ग्राउंड है इंडिया का, तो इसका भी इनको फायदा मिलेगा और दर्शकों का भी प्रभाव जो है विपक्षी टीम पे रहेगा। इंडिया जीतने जा रही है, वर्ल्ड कप जीतने भी जा रही है। इंडिया, इंडिया। 2 बजे से जो है न्यूजीलैंड और इंडिया का जो है ये सेमीफाइनल जो है मैच होगा। और 2019 वर्ल्ड कप में भी इंडिया न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल मैच हुआ था, उसमें जो है इंडिया किसी कारणवश नहीं जीत पाया था, लेकिन बदला लेने का ये बेहतरीन मौका है क्योंकि इंडिया के पास जो है बेहतरीन पेस अटैक है और बेहतरीन बॉलिंग, बेहतरीन फील्डिंग, बेहतरीन बैटिंग है, जिससे कि जो न्यूजीलैंड को 100% हराने के पूरे चांस हैं क्योंकि इंडिया के पास जो है बेहतरीन आक्रमण है। उम्मीद है इंडिया जीतेगा इसमें क्योंकि इंडिया के खिलाड़ी इसमें हैं। उम्मीद तो पिछली बार भी थी मगर पिछली बार शायद हम नहीं वहाँ तक तो पहुँच पाए, मगर इस बार क्या लगता है कि क्या रोहित जैसे फॉर्म में है, लगातार अच्छी पारी खेल रहे हैं, तो इस बार क्या करने वाले? इस बार बहुत मजबूती से जीतेंगे हम, आपका हल्के नहीं पड़ेंगे, पिछली बार तो हल्के थे होगा, लेकिन आपके हाल करेंगे तो इंडिया के खिलाड़ी उसमें भी हैं जीतेंगे, तो इसमें इंडिया के चांस ज़्यादा हैं। इंडिया के चांस ज़्यादा हैं क्यों? वो इसलिए क्योंकि इंडिया के पास बॉलिंग के जो बॉलर हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और बैटिंग लेवल भी काफ़ी बेटर है इंडिया का। अच्छा, मैच भी इंडिया में हो रहा है?
तो क्या इसका बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अगर क्या है, इंडिया में यहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, काफ़ी पहले भी काफ़ी बार खेल चुके हैं वो, तो उसका बेनिफिट मिलेगा। इंडिया की उम्मीद ज़्यादा लग रही है, इंडिया जीतनी चाहिए। इंडिया की उम्मीद क्यों ज़्यादा लग रही है? ना, आपका छठा खिलाड़ी है सर। अच्छा, कौन कौन खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं इसमें? इनका नाम तो मैं ना जानता इतना, पर इंडिया ही जीतते हमारे। अच्छा, इंडिया ही क्यों जीतेगी, क्या ऐसा क्यों? हमारे यहाँ का जो स्टेडियम है हमारा जो है देखा भाला है, इसलिए हमें पूरा उम्मीद है। अच्छा, कौन कौन शतक मारने वाले हैं ये नहीं पता? अच्छा, कौन अच्छी पाली खेलेगा? विराट कोहली मारेंगे शतक। अच्छा, यहाँ हमारे साथ कुछ और साथी भी हैं, तो हम इनसे पूछते हैं। विराट कोहली शतक मारेंगे और हमारे अमरोही की शान शम्मी भाई कम से कम 6-7 विकेट लेंगे लगातार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारा एक अमरोही खिलाड़ी पूरी दुनिया में अमरोह का नाम रोशन कर दिया है, इससे ज़्यादा अच्छी बात कोई नहीं है। दूसरा, हमारा बुमराह है, देखो कैसा बॉलर है, बढ़िया एकदम स्विंग करता है, सारी चीज़ बढ़िया करता है। और हमें तो यही खुशी की बात है कि इंडिया इस बार जो है बढ़िया 100% शुरू से ही सारे मैचों में नंबर लेती आ रही है, बराबर किसी कोई फाइट में नहीं है सर, फाइट में नहीं है, पूरा टोटल एक तरफा मैच है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब जीतेंगे। तो क्या लगता है इस बार इंडिया जीतेगी? इंडिया जीतेगी, जीत गई भाई, जीतेगी क्या? अच्छा, सेमीफाइनल में इंडिया जीत रही है, वर्ल्ड कप भी जीतेंगे। बहुत अच्छी लाइनअप है टीम की और बहुत अच्छा करते आ रहे हैं, और हम लोग तो सब लोग चाहेंगे टीम की जीत हो, लेकिन जो ग्राउंड पे अच्छा खेलेगा, जो अच्छा क्रिकेट खेलेगा वो जीतेगा। और टीम उनकी बहुत अच्छी है, बैलेंस टीम है, और वो 2007 से वो सेमीफाइनल खेलते आ रहे हैं, 23 चल रहा है, बहुत साल हो गया, 16 साल से वो सेमीफाइनल खेल रहे हैं, और बहुत अच्छी टीम है, हमारी भी टीम अच्छी है। और जितनी बात है ओपनिंग की, जो बैटिंग कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं वो लोग। टीम जीतेगी, पूरा सपोर्ट है सभी खिलाड़ियों का, और हिंदुस्तान के हैं तो चाहेंगे कि हमारी टीम जीते। और घर पे टूर्नामेंट हो रहा है और फाइनल जीतना चाहिए किसी भी, 2011 का 12 साल होने वाला है। हमारी टीम इंडिया की टीम काफ़ी अच्छी है, ये नहीं कहा जा सकता है कि कौन अच्छा खेलेगा, सारे प्लेयर फॉर्म में हैं और बॉलर भी हमारे, इसलिए हम एक भी मैच अभी तक हारे नहीं हैं और फाइनल भी जीतेंगे हम लोग। भारत माता की जय। इंडिया भारत माता की जय। आप बल्लेबाज लग रहे हैं, कौन सा बल्लेबाज अच्छा खेलेगा भारतीय टीम के? विराट कोहली। और क्या 49 शतक पूरा कर पाएंगे? हाँ, 49 हो चुका है, 50वां करना, रिकॉर्ड तोड़ना। क्या आपको लगता है कि सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे विराट कोहली कल? हाँ। कौन सा खेल अच्छा खेलेगा? कल केएल राहुल। केएल राहुल जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा।